हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज सब्जी, एकदम नए तरीके से बनाएंगे और बिना प्याज लहसुन से बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक प्यान रख देंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर देंगे। अब पनीर हो गई है, अब हम इसको निकाल देंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। इसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, ज़्यादातर डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गाजर लिया है, पहले हम गाजर को डाल देंगे। इसके बाद हम आलू डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल्स हटा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर गाजर, आलू और फूलगोभी लिया है। अब हम इसको फ्राई कर देंगे मीडियम फ्लेम में। थोड़ी सी ब्राउन कलर की जब हो जाए तब हम इसको निकाल देंगे। अब ये हो गई है, अब हम इसको निकाल देंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अब कैप्सिकम को हम थोड़ा सा फ्राई करके निकाल देंगे। अब कैप्सिकम फ्राई हो रही है, उसी के बीच हम एक मसाला बनाएंगे। तो एक मिक्सर जार में हम पहले टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी से अदरक लेंगे। और उसी के बाद हम इसमें थोड़ा सा काजू और मगज को लेंगे। मैंने पहले से ही इसे थोड़ा सा भिगो कर रख दिया है। अब हम इसको डाल देंगे। इसको डालकर हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत और भी पड़े तो आप डाल सकते हैं। अब कैप्सिकम हो गई है, अब हम इसको निकाल देंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच तेल हम इसमें डालेंगे। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे, लौंग, बड़ी इलायची को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे और जागीतरी की डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर देंगे। इसके बाद हमने जो अब मसाले बना कर रखा है अब उसको डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी मिक्सर में डालकर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, कवर करके पकाएंगे और बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर मसाला एकदम बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हमने जो सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करके रखे थे अब इसको डाल देंगे। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। जब तक हमारा जो सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से कुक ना हो जाए तब तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब हमारे जो सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक गई है, अब इसमें हम पनीर और जो कैप्सिकम को फ्राई करके रखे थे अब इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब हम बाद में जो गरम मसाला है, थोड़े से हम इसमें गरम मसाला का पाउडर और थोड़े से हम इसमें कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब गैस बंद कर देंगे। अब हमारा जो मिक्स वेज की सब्जी एकदम बनकर रेडी हो गई है। आप इस तरह से बनाकर रोटियां चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइए, कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।